औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन बीएंगे चेयरमैन ह्यूमन राइट्स फ्रंट इंटरनेशनल, मुझे व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेजेस मिलते रहते हैं जिसमें पुलिस के खिलाफ, महकमा दाखला के खिलाफ, एफआईए के खिलाफ शिकायत के अंबार होते हैं। अगर आप पुलिस, एफआईए वगैरह के खिलाफ अगर आपको कोई शिकायत है तो आप व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज कर हमसे मशवरा कर सकते हैं। नाज़रीन इकराम, हमारे सामने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की लेटेस्ट जजमेंट है, 2024 जून का ये फैसला है, मोहम्मद सफ़ीर एंड अदर वर्सेस मोहम्मद आजम एंड अदर्स, सिविल पटिशन नंबर 888/2024 है। मिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, मिस्टर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने इस केस को सुना, फैसला इसका लिखा है जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने। नाज़रीन इकराम, ये एक हाई कोर्ट में रिट पटिशन 199 के तहत फाइल की गई थी, जिसे हाई कोर्ट ने मेंटेनेबिलिटी पे कि भाई ये हमारे यहाँ काबिले समात नहीं है, इसको खारिज कर दिया था। इस बेस पर वो जो पिटिशनर है वो आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 185(3) आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 के तहत। इस वीडियो में जो हम चीज़ डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि इज द स्कोप ऑफ ए रिव्यू डिस्टिंक्ट फ्रॉम डेट ऑफ एन अपील, कि क्या रिव्यू का जो स्कोप होता है वो अपील से मुख्तलिफ होता है। ये इस जजमेंट में जो है वो डिस्कस किया गया है कि जो रिव्यू और अपील है इसके स्कोप की बात की गई है। द अथॉरिटी टू रिव्यू डिसीजन कम्स फ्रॉम द लॉ पास बाय द लॉ मेकर्स। जो अथॉरिटी होती है ना डिसीजन को रिव्यू करने के लिए, वो उसे लॉ मेकर, लेजिस्लेटर बनाता है। रिव्यूइंग ए डिसीजन इज डिफरेंट फ्रॉम अपीलिंग इट। जो रिव्यू किसी फैसले को करना और अपील करना मुख्तलिफ होता है। When you appeal, the court looks at all the facts and law involved. जब आप अपील करते हैं तो अदालत ने केस के फैक्ट्स भी देखने और कानून भी देखना होता है जो उसमें इन्वॉल्व होता है। लेकिन जब आप रिव्यू करते हैं तो कोर्ट ने सिर्फ लॉ जो अलाउ करता है, स्पेसिफिक रीजन, उसको ही सिर्फ देखना है। यानी कि अपील में फैक्ट्स और लॉ दोनों देखे जाएंगे, लेकिन रिव्यू में जो है वो सिर्फ स्पेसिफिक रीजन जो लॉ अलाउ करता है वो देखी जाएगी। दिस मेक्स श्योर द रिव्यू प्रोसेस स्टेज विद इन व्हाट द लॉ सेज। इससे ये बात साबित होती है कि रिव्यू प्रोसेस जो है वो शुमार होता है जो कानून कहता है एंड डज नॉट गो बियॉन्ड। यानी कि जो कानून ने कह रहा है, कानून के दायरे में रहकर हमने रिव्यू पिटिशन फाइल करनी होती। सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 ऑफ द एक्ट सेट्स आउट एग्जैक्टली व्हेन अ कोर्ट कैन रिव्यू अ डिसीजन। इट लिस्ट 3 रीजन: फाइंडिंग न्यू एंड इंपॉर्टेंट एविडेंस दैट वाज नॉट अवेलेबल बिफोर। यानी कि आपने जब रिव्यू में जाना है तो क्या 3 चीजें देखनी है, फाइंड करना है कोई न्यू और इंपॉर्टेंट एविडेंस जो पहले अवेलेबल नहीं था, सपोर्टिंग ए मिस्टेक इन द रिकॉर्ड और फॉर एनी अदर गुड रीजन। आपने रिकॉर्ड में कोई गलती थी वो, या कोई और गुड रीजन। कोर्ट्स कैन ओनली यूज दीज रीजन टू डिसाइड इफ अ रिव्यू इज नीडेड। कोर्ट इन रीजन्स को जो मैंने बयान की हैं, मिस्टेक इन रिकॉर्ड और कोई ऐसा एविडेंस जो पहले अवेलेबल नहीं था या कोई और गुड रीजन, ये उस वक्त कोर्ट इस्तेमाल करेगी जब रिव्यू की जरूरत होगी। दे कांट ऐड अदर रीजन, और रीजन नहीं हो सकती। दिस कीप्स द रिव्यू प्रोसेस फेयर एंड रिस्पेक्ट्स व्हाट लॉ मेकर मेंट व्हेन दे रोट ए लॉ। इससे ये होता है कि पता चलता है कि लॉ मेकर ने, लेजिस्लेटर ने कानून जो है वो क्यों बनाया था। The power of a review stem from the statute and therefore it is to be exercised by a court or an authority having regard to the condition and limitations expressly prescribed by the legislator. तो review करना है
लेजिस्लेटर ने जिस तरीके से कानून बनाया है और जो कंडीशंस रखी हैं, जो लिमिटेशन रखी हैं, द स्कोप ऑफ रिव्यू इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम डैट ऑफ एन अपील। अपील से इसका जो स्कोप है वो मुख्तलिफ होता है रिव्यू का। इन केस ऑफ एन अपील ऑल क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ आर टू बी कंसिडर्ड। जब आपने रिव्यू में बात करनी है, अपील में बात करनी है, तो फिर वहां पर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट भी होगा और क्वेश्चन ऑफ लॉ भी होगा, लेकिन रिव्यू में आपने सिर्फ स्टैच्यू की बात करनी है, कानून की बात करनी है और उसकी वजह से जो यानी कि लॉ की बात करनी है। तो ये हमारे सामने बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट थी जो मैंने आपकी खिदमत में पेश की। द स्कोप ऑफ रिव्यू इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम डैट ऑफ एन अपील। नाज़रीन इकराम, अगर आपको क्वेश्चन करना चाहते हैं हमसे तो आपको स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर, वॉइस मैसेज जो है वो उस पर करके आप सवाल पूछ सकते हैं। कॉल आप ना करें, कॉल नहीं उठाई जाती। व्हाट्सएप पे जो वॉइस मैसेज होगा वो आपको आपकी बारी आने पर दिया जाएगा, उसका जवाब क्वेश्चन करने के बाद मैसेज करना कि जी फौरन करें, अर्जेंट करें, ये हो गया, वो हो गया। अगर ऐसा करेंगे तो फिर हम जवाब देने की पोजिशन में नहीं होंगे। पूरे पाकिस्तान से बल्कि पूरी दुनिया से लोग वॉइस मैसेजेस करके अपने मसलों की तलक बात करते हैं, तो इसलिए आप प्लीज़ अगर आप जवाब को लेना चाहते हैं तो अपनी बारी का इंतज़ार करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।